हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। तो आज से हम लोग डीसी मोटर ड्राइव के बारे में स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल वन। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बेसिक्स ऑफ डीसी मोटर थोड़ा सा क्विकली रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक्स थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बेसिक्स में इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शनल डिटेल, उसके बाद फिर ईएमएफ जेनरेशन, उसके बाद फिर इसका वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड देन ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन, ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ये चार चीज आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डीसी मोटर से कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम दिख रहा है? हाँ, यस सर। तो दिस इज वन ऑफ द कटआउट ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा जो सर। ये हमारा जो है ये आउटर फेसिंग है। ठीक है, ये है हमारा जो है आर्मेचर है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट, ये कम्यूटेटर है। ठीक है, ये हमारा कार्बन ब्रश है, और इधर कूलिंग पर्पस के लिए ये फैन है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक डीसी मोटर का, डीसी मोटर का
हमारा डीसी मोटर का एक कटआउट है, ठीक है। सेम चीज को हम लोग दूसरे डायग्राम से, सेम चीज को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये एक डीसी मोटर का सेम क्रॉस सेक्शन है, जिसमें कि ये वाला जो है ये हमारा पोल जो है, ये जो है हमारा, ये हमारा स्टेटर है, ठीक है, और ये जो है इसको रोटर कहते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा रोटर है, ठीक है, ये वाला हमारा स्टेटर है, ये वाला हमारा शाफ्ट है, ठीक है। स्टेटर के ऊपर जो है वो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है डीसी मशीन में, स्टेटर में डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग होता है, और रोटर पे होता है हमारा आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी करंट को सप्लाई देते हैं, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी करंट को सप्लाई देंगे, तो जो हमारा फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, डीसी फील्ड होगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा फ्लक्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये डीसी करंट को देने के बाद। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं योक, ठीक है, ये पोर्शन को कहते हैं योक। ये जो है हमारा, ये हमारा है फील्ड वाइंडिंग, और जो ये फील्ड का प्रोजेक्शन है इस तरीके से जो दिख रहा है, ये हमारा है टोटल, इसको कहते हैं पोल कोर, ठीक है, और ये वाले जो पोर्शन है इसको कहते हैं पोल पोल टू, ठीक है। ये पोल कोर पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, और इसके बाद से एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है, इस तरीके से स्लॉट बने होते हैं, और ये स्लॉट में हम लोग जो है आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर कंडक्टर है। नाउ ये योक का क्या काम होता है, तुम लोग डीसी मशीन में पढ़ा होगा, बताओ सर। ये सर फ्लक्स का पाथ को कंप्लीट करने में मदद करता है, फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है फ्लो करने के लिए। ओके, तो योक का एक्चुअली तीन काम होता है। पहला काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको मशीन को। तो पहला काम क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया मशीन को, ठीक है। दूसरा क्या करता है काम, ये जो है, ये जो मान लो कि कोई एक मशीन है तरीके से, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योक। अभी क्या है, ये यहाँ पे होंगे वाइंडिंग,
यहाँ पे है वाइंडिंग और यहाँ पे जो है करंट का पोलैरिटी है डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ठीक है। तो इस पोलैरिटी के लिए क्या होगा, ये जो करंट का पोलैरिटी है इसके लिए ये नॉर्थ पोल होगा और जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल में, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो फ्लक्स का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल फ्लक्स फाई, तो ये फ्लक्स क्या होगा, कुछ इधर से आएगा, ठीक है, और ये इधर से आएगा। तो योग हमारा क्या करता है कि फ्लक्स को ट्रेवल करने के लिए एक पाथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यदि हमारा यहाँ पे मान लो टोटल फ्लक्स फाई है, तो फाई बाई टू फ्लक्स इधर से जाएगा और फाई बाई टू फ्लक्स इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग का काम कि एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मशीन को, दूसरा क्या करता है, ये फ्लक्स को ट्रैवल करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, तीसरा क्या करता है, फील्ड जो हमारा ये पोल है, ठीक है, पोल क्या होता है, योग से ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है। दूसरा आता है इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा पोल, ठीक है। तो पोल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोल कोर, दूसरा होता है पोल टू, ठीक है। पोल कोर क्या होता है, इस पे हमारा जो है वो वाइंडिंग कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और पोल टू क्या करता है कि जो हमारा फ्लक्स जो आ रहा है इधर से उसको वो यूनिफॉर्मली एयर गैप में डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके लिए हम लोग ये कहाँ से होता है, ये पोल टू से होता है, ठीक है ना। पोल टू जो है वो जो है दो तरह का हो सकता है, एक तो पोल टू इस तरह का होगा, और दूसरा वाला दूसरा वाला कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके का पोल, इस तरीके का जो अरेंजमेंट रहता है जिसमें कि एयर गैप हर जगह पे कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं नॉन चैम्बर्ड पोल, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें कि एयर गैप एट द सेंटर क्या होगा, मिनिमम होगा और आउटर एरिया में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के पोल को कहते हैं चैम्पर्ड पोल, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये हम लोग एसी मशीन में यूज करते हैं और डीसी मशीन में हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट को यूज करने से क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमारा फ्लैट टॉप्ड, ठीक है, फ्लैट टॉप फ्लक्स हमारा इस केस में प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम लोग क्या, और इस केस में क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली साइनोसोइडल फ्लक्स जो है हमारा इस केस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट रहने से। यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ का रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ का रिलक्टेंस कम होगा, यहाँ का रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है हमारा एन आई बाय रिलक्टेंस, ठीक है, एन आई
करंट तो फिक्स है क्योंकि इस फील्ड में जितना करंट दे रहे हैं वो फिक्स है, एनआई फिक्स है हमारा, एमएमएफ। तो यदि रिलक्टेंस वेरी करेगा तो उस हिसाब से क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा जो हमारा फ्लक्स है वो भी हमारा वेरी करेगा। इस केस में क्या है कि रिलक्टेंस सिंस फ्लक्स इक्वल टू होता है एनआई बाय आर, ठीक है, तो रिलक्टेंस सिंस हमारा कॉन्स्टेंट है तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पोल के अंदर का, ये हो गया हमारा एक पोल के अंदर का स्थिति, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे पोल के अंदर, मान लो ये नॉर्थ पोल के अंदर का ये है तो साउथ पोल के अंदर का ये होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल के अंदर इस तरीके का वेव फॉर्म आ रहा है फ्लक्स का, तो साउथ पोल के अंदर इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोल कोर और पोल टू। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नाउ इसी में दो चीज और आता है, एक आता है हमारा पोल आर्क और पोल टी। क्या होता है बताओ कोई, पोल आर्क और पोल टी क्या होता है? हेलो सर, पोल आर्क, यस सर, पोल आर्क और पोल पीक क्या होता है? सर जो पोल शू है उसका सर्कमफेरेंस को बोलते हैं पोल आर्क, तो वो जो पूरा देखो ये हो गया सेंटर, तो पोल आर्क हो गया हमारा जितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, जितना एंगल सबटेंड करता है ये जो हमारा पोल टू है इस सेंटर से, इसको कहते हैं हम लोग पोल आर्क, ठीक है। और पोल पिच क्या होता है कि जितना एरिया तक इसका जो है इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मान लो एक पोल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके मिडिल तक जो है हम लोग मानते हैं कि ये वाला, मान लो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो ये इसके मिडिल तक जो है नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस है, तो ये हो गया हमारा सिमिलरली ये वाला जो एरिया है ये ग्रीन वाला जो है वो हो गया हमारा पोल सी, ठीक है, और पोल आर्क हो गया ये। दोनों के बीच में रिलेशन भी है और उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लो पोल आर डिवाइडेड बाय पोल सी टू 0.7 to 0.9 तक ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पोल के बारे में, ठीक है। नाउ अभी आर्मेचर, तो सबसे पहले आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर हमारा इस केस में रोटर पे रहेगा, ठीक है, आर्मेचर हमारा रोटर पे रहेगा और ये शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो है हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इस आर्मेचर पे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्लॉट्स हैं इसमें वाइंडिंग्स रहेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर में एसी करंट रहेगा या फिर डीसी करंट रहेगा? एसी सर। तो आर्मेचर में हमारा एसी करंट रहता है, तो यदि आर्मेचर में एसी करंट रहेगा तो ये डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है? मतलब जनरेटर के केस में आउटपुट डीसी आएगा और मोटर के केस में हम लोग डीसी देते हैं, तो डीसी से एसी में कैसे कन्वर्ट होगा? कम्यूटेटर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। तो कम्यूटेटर सर, आर्मेचर है वो, ये हमारा है जो, ये हमारा जो सेगमेंट है ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है। कम्यूटेटर को हम लोग
मैकेनिकल रेक्टिफायर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। नेक्स्ट क्या है कि इसमें हम लोग मान लो ये हमारा अरेंजमेंट है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा छोटा बन गया। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक दो कंडक्टर है। ठीक है, तो जनरेटर के केस में क्या होता है, हम इस आर्मेचर को जब मूव करेंगे, ठीक है, जब इस आर्मेचर को मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमारा डीसी मशीन ये मान लो हमारा एक डीसी मशीन है। ठीक है, तो डीसी मशीन में क्या होता है, यदि हमारा डीसी जनरेटर है तो जनरेटर में इनपुट क्या देते हैं, मैकेनिकल पावर देते हैं। ठीक है, और मोटर yes, में, मोटर में इनपुट क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देते हैं। तो जनरेटर में जब हम मैकेनिकल पावर इनपुट देंगे तो वहां से इलेक्ट्रिकल पावर में कैसे कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी दिया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू मैग्नेटिक मीडियम, मैग्नेटिक मीडियम। और ये मैग्नेटिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, ये मैग्नेटिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो हमने ये यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दिया है, ये प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, तो ये कन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है एज पर फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या है, ई इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहता है, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स, जो फ्लक्स है और कंडक्टर है, उसके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होने से क्या होगा, ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। तो यहां पे हमारा क्या है कि जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा डीसी मशीन है, उस केस में क्या है, फ्लक्स जो है वो हमारा डीसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, फ्लक्स हमारा डीसी है, कांस्टेंट है, बट कंडक्टर क्या हो रहा है, कंडक्टर हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो
इस केस में क्या होगा कि सिंस फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, कंडक्टर मूव कर रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगा कहाँ पे, आर्मेचर पे जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो ईएमएफ जनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें करंट फ्लो करना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे इनवर्ड करंट होगा या आउटवर्ड करंट होगा, यहाँ पे इनवर्ड करंट होगा या आउटवर्ड करंट होगा। तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पता करते हैं कि यहाँ पे करंट का क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि यदि हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जो हमारा थंब है, जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग है, तो जो हमारा मिडिल फिंगर होगा, जो हमारा मिडिल फिंगर होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में फाइंड करो क्या आएगा, इनवर्ड आएगा या फिर आउटवर्ड आएगा, इनवर्ड साउथ पोल के नजदीक आएगा। कौन सा, कौन साउथ पोल के नजदीक वाला, ये मान लेते हैं ये है बी ये है ए, तो बी कंडक्टर में क्या होगा, करंट जो है वो इनवर्ड होगा, और ए कंडक्टर में क्या होगा, करंट हमारा आउटवर्ड होगा, ठीक है। सेम इसको अपने से भी करके देखो, ये हो जाएगा। तो बी कंडक्टर के पास क्या हो रहा है, फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है। मोशन किधर है, एट दिस पॉइंट मोशन जो है ये हमारा है मोशन का डायरेक्शन, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन ये है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है। और उसी तरीके से ए कंडक्टर के पास, ये बी कंडक्टर, ए कंडक्टर के पास क्या है, हमारा फ्लक्स का सेम डायरेक्शन है, फ्लक्स का सेम डायरेक्शन है, बट एट दिस पॉइंट देखो तो इस पॉइंट पे जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये हमारा ओमेगा का डायरेक्शन है। तो स्पीड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओमेगा का डायरेक्शन। तो इस केस में करंट क्या आ जाएगा, हमारा आउटवर्ड, ठीक है, इस केस में यहां पे आ जाएगा आउटवर्ड। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिकल मोटर लेते हैं, डीसी मोटर लेंगे, डीसी मोटर लेंगे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है, यस सर, ओके। तो नेक्स्ट हम जब इलेक्ट्रिकल मोटर लेंगे, तो इलेक्ट्रिकल मोटर के केस में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग मोटर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देंगे और आउटपुट हमारा क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या है ऑलरेडी एक यहाँ पे ऑलरेडी एक करंट होगा ड्यू टू सप्लाई। जनरेटर के केस में क्या होता है कि ये जो फील्ड है इस फील्ड के कारण यहाँ पे जो है करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, तो इस फील्ड के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। मोटर के केस में क्या होता है कि ये हमारा है फील्ड फ्लक्स, ठीक है, और ये जो हमने आर्मेचर को सप्लाई दिया है इसके कारण से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं होता है, यहाँ पे करंट फ्लो करता है, और जो ये करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इस करंट के कारण भी एक फ्लक्स क्रिएट होगा और ये फील्ड फ्लक्स है, तो एक फील्ड फ्लक्स होगा और एक आर्मेचर फ्लक्स होगा, और इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये जो है हमारा आर्मेचर मूव करेगा, ठीक है, इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण क्या है हमारा आर्मेचर मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं मोटर के केस में, मोटर के केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग फाइंड करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, ठीक है। तो टॉर्क प्रोडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा फील्ड फ्लक्स है और जो आर्मेचर फ्लक्स है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए कि स्टेशनरी होगा, ठीक है, तभी हमारा ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो डीसी मोटर मशीन के डीसी मशीन के जो वर्किंग है उसमें पढ़े होंगे कि इवन दो कि कंडक्टर में क्या है करंट का डायरेक्शन कभी डॉट रहेगा या क्रॉस रहेगा, लेकिन क्या होता है डीसी मशीन के केस में जो नॉर्थ पोल के अंडर कंडक्टर है उसमें हमेशा डॉट ही रहता है और साउथ पोल के अंदर जो कंडक्टर है उसमें हमेशा क्रॉस ही रहता है। इस कारण से क्या होता है जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग में तो हमने डीसी दिया है तो यहाँ से ही फिक्स। तो इस तरीके से हमारा जनरेटर और मोटर का जो है वर्क करता है। नाउ अभी क्या है कि हम लोग ईएमएफ जनरेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो क्या होता है, मान लो कि ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा साउथ पोल है, तो यहाँ पे एक मान लो कंडक्टर है, दो ही कंडक्टर ले रहे हैं, ये कंडक्टर मान लो ए है, ये कंडक्टर बी है, ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है ये आर्मेचर में रहता है और ये कुछ इस तरीके से रहेगा, तो डीसी मशीन के केस में क्या होता है ये जो हमारा दो कंडक्टर है ये कनेक्टेड रहता है एक स्प्लिट रिंग से, ठीक है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड रहेगा ये दोनों कंडक्टर। और एसी मशीन के केस में क्या होगा, ये दोनों कंडक्टर स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी केस में देख लेते हैं कि क्या होता है। मान लो ये हमारा एक ठीक है, ये एक हमारा स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग में क्या होता है ये एक रिंग है ना, इसको बीच से स्प्लिट कर देंगे और यहाँ से इंसुलेटिंग पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइका इंसुलेशन, ये हमारा होता है माइका इंसुलेशन
ठीक है, ये वाला जो ये हमारा टोटल एक कॉइल है, तो कॉइल के ये होता है हमारा कंडक्टर, ठीक है, ये भी हमारा एक दूसरा कंडक्टर है, और इन दोनों कंडक्टर को मिलके बनता है एक कॉइल, ठीक है। तो एक कॉइल में दो कंडक्टर होंगे, और इसकी जो यहां से यहां तक का लेंथ है ना, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ना L, इसको कहते हैं एक्टिव लेंथ, जो EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जनरेटर के केस में EMF जो जनरेट होता है वो इसी लेंथ ऑफ वायर के कारण होता है, ठीक है। और ये जो है इसको कहते हैं ओवरहैंग, ओवरहैंग पोर्शन। ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन है, इसका कोई रोल नहीं होता है ईएमएफ के जनरेशन में, मगर ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन का यूज होता है इसमें ये कंडक्टर और ये कंडक्टर को कनेक्ट करने में, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन का क्यों नहीं ईएमएफ जनरेशन में रोल होता है, तो एक्चुअली जब मशीन को देखोगे, मशीन का कटआउट, तो जो मशीन का कटआउट देखोगे, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो है वो एक्टिव लेंथ है, क्योंकि इतना ही वाला पार्ट जो है वो हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर मतलब क्या है, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टेटर के अंदर इतना ही पार्ट आता है, ठीक है। इधर का जो वायर है ये है ओवरहैंग पोर्शन ऑफ वायर, ये क्या है, ये स्टेटर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, ईएमएफ जनरेशन में इसका कोई पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन होगा ना, अभी क्या है, मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा बी कंडक्टर है, ठीक है, ये स्प्लिट रिंग का पोर्शन स्मॉल ए है, ये स्प्लिट रिंग का पोर्शन स्मॉल बी है, और यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है बी वन, ये हो गया बी वन, तो ये हमारा ब्रश है, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि डी वाइंडिंग में करंट कैसा होगा, क्रॉस होगा, मतलब डी वाइंडिंग में करंट किस तरीके से जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, ठीक है। ए वाइंडिंग में करंट कैसा होगा, डॉट होगा, ए वाइंडिंग में करंट कैसा होगा, डॉट होगा, तो करंट का डायरेक्शन मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन मान लो इस केस में कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ए वाइंडिंग कनेक्टेड है हमारा बी वन पोर्शन से, ए वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो बी वन ब्रश पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, और बी टू ब्रश पे क्या होगा करंट का डायरेक्शन, बी टू ब्रश पे करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ का वोल्टेज पोलैरिटी क्या होगा बी वन का, पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब 180